ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, नोन एज सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। ठीक है, अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड फेवरेट फॉर ऑल द टाइम इन एग्जाम्स फॉर एग्जामिनर। आई सॉ दिस टॉपिक इन MRCP लाइक प्लेब, USMLE, DHA, SMLE, इवन NRE एंड USMLE, मतलब ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स रिगार्डिंग मेडिकल, दे विल टेस्टेड सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम इन द एग्जाम। तो हमें इस टॉपिक को प्रॉपर पढ़ने से पहले हमें कुछ एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए। इफ वी डू एनाटमी प्रॉपर, वी विल लर्न दिस टॉपिक प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द सबक्लेवियन आर्टरी। SA स्टैंड फॉर सबक्लेवियन आर्टरी, एंड वी हैव टू सबक्लेवियन आर्टरी, दैट इज ऑन ईच साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अगर हम सब क्लेवियन आर्टरी की बात करें, दिस इज द सब क्लेवियन आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड एज वेल एज सब क्लेवियन आर्टरी ऑन दी राइट साइड, एंड दे कम फ्रॉम इनडायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टा से आती है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखना है कि जो सब क्लेवियन आर्टरी है, दे आर डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट बाई द हेल्प ऑफ स्केलिनी एंटीरियर मसल। जो स्केलिनी एंटीरियर मसल है, वो इस सब क्लेवियन आर्टरी को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है। लेकिन हमें सिर्फ अब यह पता होना चाहिए कि जो सब क्लेवियन आर्टरी है, उसकी फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच निकलती है, एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड वर्टेब्रल आर्टरी। इसी तरह इस सब क्लेवियन आर्टरी से भी एक ब्रांच निकलेगी और वो ऊपर की तरफ जाएगी, दैट इज अगेन वर्टेब्रल आर्टरी। नाउ द पॉइंट टू रिमेम्बर कि व्हाट इज मेंट बाई वर्टेब्रल आर्टरीज। वर्टेब्रल आर्टरीज आर टू ए नंबर ऑन ईच साइड। वर्टेब्रल आर्टरीज आर द ब्रांचेज ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी एंड दे कम फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। इट्स द पॉइंट विच यू पीपल शुड नो फॉर द एग्जाम के सब क्लेवियन आर्टरी की जो फर्स्ट पार्ट से ब्रांचेज निकलती हैं, दे आर वर्टेब्रल आर्टरीज। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं बताता चलूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर हम ब्रेन स्टेम को ड्रा करें, दिस इज दी मिड ब्रेन, इसके साथ जो डायलेटेड इस तरह एरिया है ब्रेन के अंदर, दैट इज कॉल्ड बोन्स। अब ये एरिया जनाब बोन्स होता है, और इसी के साथ जनाब द नेक्स्ट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा, और आफ्टर मेडुला ओब्लांगेटा देयर इज अ स्पाइनल कॉर्ड। अब मेडुला ओब्लांगेटा इज द बेस ऑफ द ब्रेन एंड दैट इज कनेक्टेड विद द स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ पे जो एक एनाटोमिकल एरिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो मेडुला ओब्लांगेटा और स्पाइनल कॉर्ड है, इसके दरमियान एक ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड फोरमेन मैग्नम। वी विल डिस्कस दिस इन अ ग्रेटर डिटेल व्हेन वी स्टडी द एनाटमी ऑफ द क्रेनियल कैविटी और क्रेनियल फोसा, बट रिमेंबर विच ओपनिंग कनेक्टेड मेडुला ओब्लांगेटा विद द स्पाइनल कॉर्ड। द आंसर इज फोरमेन मैग्नम। सो फोरमेन मैग्नम, रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कनेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड विद द मेडुला ओब्लांगेटा। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप लोगों को याद रखनी है, जो वर्टेबल आर्टरीज है ऑन बोथ साइड, दे अराइजेस फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी। अब ये जो वर्टेबल आर्टरीज है, ये अलॉन्ग वर्टेब्रा ऊपर जाती है, दे कम गो एंड व्हेन दे रीचेस टू द अपर पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दे एंटर टू द ब्रेन बाय द हेल्प ऑफ फोरामेन मैग्नम। इट्स वन ऑफ अनदर MCQs क्वेश्चन कि विच ओपनिंग इज रिस्पॉन्सिबल थ्रू विच बोथ वर्टेबल आर्टरी विल एंटर टू द ब्रेन, दैट इज कॉल्ड फोरामेन मैग्नम। अब ये दोनों हमारे पास वर्टेबल आर्टरी ब्रेन के अंदर एंटर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है, दिस इज कॉल्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर वाले पार्ट की बात करें, एज आई टोल्ड यू, दिस इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ऊपर हमारे पास मिड ब्रेन है, फिर इसके बाद नीचे जो कनेक्टेड एरिया है, इसको हम पोन्स कहते हैं। ऊपर इज मिड ब्रेन, द लोअर पार्ट इज कॉल्ड पोन्स, दिस पार्ट इज नोन एज पोन्स। ये जो डायरेक्ट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑफ पोन्स, और इसके बाद जो पोन्स के बाद नीचे पार्ट है, दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। अब ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, दैट इज कॉल्ड मेडुला ओब्लांगेटा। तो दीज थ्री थिंग्स टुगेदर इन अ ब्रेन, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेन स्टेम, इसको हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब ये एरिया अगर हम लोकेट करें, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन से यहाँ पे ड्रा करूँ, तो पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, इसके दरमियान ये जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर कि वेन वर्टेबल आर्टरी गो अप एंड दे रीच टू पोन्टो मेडुलरी जंक्शन, दे कंबाइंड विद ईच अदर। अब जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं, दे फॉर्म अ सिंगल आर्टरी, उससे एक आर्टरी बनती है, और यही आर्टरी जब फिर ऊपर जाती है, दैट आर्टरी विल बी नोन एज अ बेसिलर आर्टरी। वी विल डिस्कस दिस कंसेप्ट इन द ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन। और बेसिलर आर्टरी फिर ऊपर जाके दो में डिवाइड होती है,
पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। तो ये जनाब हमारे पास सर्कुलेशन है जो ब्रेन को मिलती है। एक्चुअली ब्रेन को डबल ब्लड सप्लाई मिलती है, एक फ्रंट से और एक बैक से। दिस इज कॉल्ड बैक सप्लाई। इसमें वर्टेबल आर्टरी विल फॉर्म, दिस इज बेसिलर आर्टरी, दैट इज कॉल्ड BA। BA स्टैंड फॉर बेसिलर आर्टरी। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिलर आर्टरी, इट इज द यूनियन ऑफ टू वर्टेबल आर्टरी एट द लेवल ऑफ पोन्टोमेडुलरी जंक्शन। दिस कॉल्ड वर्टेब्रो बेसिलर सर्कुलेशन। अब आते हम कंसेप्ट की तरफ कि व्हाट इज सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम। सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज एनी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर यहाँ पे हम ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, अगर इमेजिन करें दिस इज द राइट साइड, ये सब क्लेवियन जो है ये राइट अपर लिम को सप्लाई करेगी। दिस इज द राइट अपर लिम। एवरी वन शुड राइट द फुल नेम दैट लास्ट में, फिर आप लोगों को कोई ऐसा जो है समझने में इशू ना हो। और ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है ये हमारे पास ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट अपर लिम। ठीक है, अब ये दो चीजें हमने डिस्कस करनी है, वन इज राइट अपर लिम एंड अदर इज लेफ्ट अपर लिम। देखिए, सब क्लेवियन आर्टरी ऑन लेफ्ट साइड सप्लाई ब्लड टू दी लेफ्ट अपर लिम एंड सब क्लेवियन आर्टरी ऑन द राइट साइड सप्लाई ब्लड टू दी राइट अपर लिम। इफ फॉर एग्जाम्पल देर इज स्टीनोसिस ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, अगर यहाँ पे आप लोग स्टीनोसिस देखे सब क्लेवियन आर्टरी, अब ये जो सब क्लेवियन आर्टरी है ये इस तरह ब्लड सप्लाई देगी किस लिम को, राइट अपर लिम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट राइट सब क्लेवियन आर्टरी। तो अगर यहाँ पे स्टीनोसिस है दिस इज प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी। तो अब इसमें होता यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड सप्लाई यहाँ से आनी है, अब ये ब्लड वर्टेबल आर्टरी में भी जानी थी और इसने आगे अपर लिम में आना था, लेकिन अगर इसमें प्रॉक्सिमल जनाब यहाँ पे क्या है थ्रू द ओरिजिन ऑफ वर्टेबल आर्टरी स्टीनोसिस है, तो फिर इस साइड की जो अपर लिम है उसकी लिम में ब्लड कम जाएगी, देर विल बी इस्कीमिया टू द राइट अपर लिम, और ये जो ब्लड है वर्टेबल आर्टरी उसमें भी कम मिलेगी। लेकिन ब्रेन को फिर भी ब्लड सप्लाई इसलिए नहीं कम होगी क्योंकि जो लेफ्ट साइड की वर्टेबल आर्टरी है दे विल सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन इनफ ऑन द बेसिस ऑफ इट ब्रेन कैन वर्क। इट्स मीन कि देयर इज अ कोलेटरल सर्कुलेशन। तो यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, इफ देयर इज अ स्टीनोसिस प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टेबल आर्टरी एंड सब क्लेवियन आर्टरी तो व्हाट विल हैपन, एक्चुअली द मेन थिंग द ब्लड सप्लाई ऑन द सेम साइड विल डिक्रीज टू द अफेक्टेड लिम एंड ऑल्सो टूवर्ड द ब्रेन ब्लड सप्लाई विल बी अफेक्टेड, बट एट द सेम टाइम दिस लेफ्ट वर्टेबल आर्टरी विल इनफ टू गिव ब्लड टू द ब्रेन। अब इसकी वजह से ये वाली जो सर्कुलेशन है इसमें ब्लड ज्यादा है क्योंकि ये अनअफेक्टेड है, इसको हम कहते हैं हाई, दैट इज कॉल्ड एच हाई प्रेशर जोन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ब्लड की प्रेशर है वो ज्यादा होगी, लेकिन अगर हम दूसरे साइड पे देखें कि अगर यहाँ से जनाब ब्लड आ रही है, नीचे से ब्लड इस तरह जा रही थी, अब वर्टेबल आर्टरी में ब्लड नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा, दिस एरिया इज कॉल्ड लो प्रेशर जोन। इसको हम क्या कहेंगे, लो प्रेशर जोन। सो दैट इज कॉल्ड लो प्रेशर जोन। दिस इज हाई प्रेशर जोन, दिस इज दी लो प्रेशर जोन। अब होता यह है कि जब हाई प्रेशर, ये कानून है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाइयर कंसेंट्रेशन ब्लड लोअर में जाएगी, तो एक्चुअली व्हेन वर्टेबल आर्टरी अंडरगो इस्कीमिया और उसमें प्रेशर कम होगी तो वो हाई प्रेशर वर्टेबल आर्टरी से ब्लड को स्टील करेगी अपनी तरफ। तो मतलब ब्लड जो ऊपर जा रही थी अब वो नीचे आना शुरू हो गई, दैट इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड सर्कुलेशन। एक्चुअली जो लो प्रेशर आर्टरी है दैट स्टील सम ब्लड फ्रॉम हाई प्रेशर वेसल और ये फिर नीचे जब ब्लड आएगी जनाब वो यहाँ पे अफेक्टेड लिम को सप्लाई करेगी। तो इस सब क्लेवियन में पहले से ब्लड कम थी बिकॉज ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन और ये सब क्लेवियन ठीक थी, तो जो अनअफेक्टेड सब क्लेवियन है उससे हमने ब्लड स्टील करके अफेक्टेड सब क्लेवियन साइड पे ले आया और ब्लड सप्लाई अपर लिम को थोड़ा बहुत दे दिया। लेकिन इसमें जो एग्जाम क्वेश्चन है आप लोग को पता होना चाहिए कि इसकी क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आएगी। नंबर वन एग्जाम क्वेश्चन ये है कि द पेशेंट विल प्रेजेंटेड विद अनईक्वल प्रेशर ऑफ दी बोथ लिम, क्योंकि जो अफेक्टेड लिम है उसमें प्रेशर कम होगी, अनअफेक्टेड लिम में प्रेशर ज्यादा होगी, सो देयर विल बी अ ब्लड प्रेशर डिफरेंस ऑफ 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। इफ द क्वेश्चन कम इन एग्जाम एन अ पेशेंट हैविंग बोथ लिम प्रेशर अनईक्वल, वन इज हाई एंड वन इज लो, लेकिन जिस साइड पे प्रेशर कम है उस साइड पे क्लॉट होगा, तो वो बंदा जब फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उस टाइम पे जो मसल की डिमांड है वो बढ़ेगी ऑक्सीजन के लिए और उसको जनाब ब्लड मिलेगी नहीं, तो विद द एक्टिविटी एंड विद द एक्सरसाइज द सिम्टम बिकम एग्रेवेट। तो एनी पेशेंट हु इज प्रेजेंटेड विद अनईक्वल प्रेशर इन बोथ लिम
एंड द अफेक्टेड लिम बिकम मोर पेनफुल व्हेन द पर्सन डूइंग सम एक्सरसाइज एंड व्हेन यू चेक द बीपी ऑफ बोथ लिम देयर इज अनइक्वल बीपी इन बोथ थिंक अबाउट सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम. सो दिस व्हाट ऑल अबाउट द डायग्राम फॉर सबक्लेवियन सिंड्रोम एंड होप इट मेक सेंस. देखिए इन लोगों ने लिखा है स्टीनोसिस ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी. तो जब यहाँ पे स्टीनोसिस है तो फिर आगे जो ब्लड सप्लाई है वो कम जाएगी. तो एक्चुअली इस एरिया में ब्लड सप्लाई कम होगी तो हाइपो परफ्यूजन डिस्टल टू स्टीनोसिस. अब होता यह है कि जब यहाँ पे ब्लड कम होगी और यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड ठीक है तो फिर हाई प्रेशर जोन से ब्लड स्टील करके लो प्रेशर की तरफ आएगी एंड देर इज अ रिवर्स ब्लड फ्लो. जो ब्लड ऊपर जानी थी अब वो दोबारा वापस आएगी. इसका मतलब यह है कि जब हम बेसिलर सर्कुलेशन से ब्लड को स्टील करेंगे तो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कम पड़ जाएगी. देयर इज रिड्यूस सेरेब्रल परफ्यूजन एंड देयर इज अन एक्सर्शन ऑफ अफेक्टेड लिम. इसका मतलब यह है कि जब बंदा अफेक्टेड लिम एक्सर्शन करेगी एक्सरसाइज करेगी तो उसको जो सिम्टम है वो बढ़ेगी. इसका वजह क्या है? अब यहाँ पे दो बातें. एक्चुअली इस साइड पे जनाब हमारे पास स्टीनोसिस है, इस साइड पे स्टीनोसिस नहीं है. अब यहाँ से हम ब्लड स्टील कर रहे हैं इस साइड पे, तो इस साइड पे हम ब्लड को कम कर रहे हैं बिकॉज वी आर स्टीलिंग द ब्लड फ्रॉम अनअफेक्टेड साइड टू दी अफेक्टेड. लेकिन ये बंदा जब एक्सर्शन करेगा, ये जब एक्सरसाइज करेगा तो अफेक्टेड साइड को मसल की जो डिमांड है ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा होगी, तो हम ज्यादा ब्लड स्टील करेंगे तो इस साइड पे इतना ब्लड कम होगी दे विल कॉज सेरेब्रल हाइपो परफ्यूजन, दे रिड्यूस सेरेब्रल परफ्यूजन. एग्जाम क्वेश्चन ये है कि पेशेंट डिवेलप और इस सेरेब्रल परफ्यूजन कम होने की वजह से इस्कीमिया होगी, पेन, पेरेस्थीजिया एंड वर्टेब्रो बेजिलर इनसफिशियंसी कॉज डिजीनेस एंड ऑफ वर्टिगो एंड देर विल बी अ डिफरेंस ऑफ बीपी बिटवीन मोर बोथ आर्म मोर देन 15 मिलीमीटर सिस्टोलिक बिटवीन आर्म. अब व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस क्लाट. इस क्लाट फॉर्मेशन की जो कॉज है द लीडिंग कॉज इज आर्टीरियोलोस्क्लीरोसिस, एथीरोस्क्लीरोसिस, टाकायासु आर्टिराइटिस, क्योंकि इसके अंदर जनाब योटा इफेक्ट होती है एंड इट मे बी प्रीवियस हार्ट सर्जरी. तो एक्चुअली व्हाट इज एक्चुअली स्टील सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम, ट्रिपल एस. एस मीन सबक्लेवियन, एस मीन स्टील एंड नेक्स्ट एस मीन सिंड्रोम. रिमेम्बर इफ देर इज अ स्टीनोसिस इन सबक्लेवियन आर्टरी प्रॉक्सिमल टू द ओरिजिन ऑफ वर्टेब्रल आर्टरी द ब्लड सप्लाई टू दैट लिम विल बी रिड्यूस एज वेल एज टू वर्टेब्रल आर्टरी विल बी रिड्यूस एट द सेम टाइम अदर साइड इज अनअफेक्टेड. तो उसमें प्रेशर नॉर्मल होगा लेकिन ये नॉर्मल प्रेशर अफेक्टेड साइड की बनिस्बत हाई होगा. तो फिर क्या होगा, जब ये हाई प्रेशर वेसल है, हाई प्रेशर जोन है, तो हम क्या करेंगे, इस हाई प्रेशर जोन से कुछ ब्लड शिफ्ट करेंगे लो प्रेशर जोन की तरफ. तो वी आर स्टीलिंग सम ब्लड फ्रॉम अनअफेक्टेड सबक्लेवियन आर्टरी टुवर्ड द अफेक्टेड साइड. तो यहाँ पे दो बात याद रखें, एनी पेशेंट हु इज प्रेजेंटेड विद अनइक्वल सिस्टोलिक बीपी इन बोथ लिम एंड व्हेन दैट पर्सन इज डूइंग एक्सर्शन और एक्सरसाइज द सिम्टम बिकम मोर लाइक सिनकोप, डिजीनेस एंड पेन इन द अफेक्टेड एरिया think about subclavian steel syndrome. So this is what about the tutorial regarding subclavian steel syndrome and hope you people enjoy it. Inshallah, in the next tutorial, we will discuss a new concept and I hope this concept you people may enjoy it. यहाँ पे इसमें अगर आप लोग देखें, यहाँ पे भी दिखाया गया है, this is the subclavian artery और ये right subclavian है, यहाँ पे left है. अब ये right subclavian से right vertebral artery निकलती है, जो लेफ्ट सब क्लेवियन है वहां से लेफ्ट वर्टेबल आर्टरी. इफ देयर इज अ स्टीनोसिस, अब ये स्टीनोसिस एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, टाकायासु आर्टराइटिस, हार्ट सर्जरी. अब यहाँ पे स्टीनोसिस है तो ब्लड जो है यहाँ से जब जाएगी तो आगे अपर लिम को भी कम मिलेगी और ऊपर भी कम जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो ब्लड ज्यादा है तो वी आर स्टीलिंग सब ब्लड फ्रॉम दिस अनअफेक्टेड साइड टूवर्ड दी अफेक्टेड साइड. तो ब्लड यहाँ पे शिफ्ट होगी और यहाँ पे जो अफेक्टेड लिम है उसको ब्लड जाएगी, लेकिन ये बंदा जब एक्सर्शन करेगा एक्सरसाइज करेगा तो उस टाइम जो सेरेब्रल परफ्यूजन है वो मजीद कम होगी जिसकी वजह से सिम्टम की जो सिवियरिटी है वो ज्यादा होगी. तो अनइक्वल सिस्टोलिक बीपी इन बोथ लिम एंड दैट सिम्टम व्हेन एग्रेवेट अन एक्सरसाइज थिंक अबाउट सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम. तो सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम के अंदर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू वांट टू पास इन द एग्जाम एंड इफ यू वांट टू जस्ट ओनली नो टू थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू पास दैट विच टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क इन द सबक्लेवियन सिंड्रोम. तो आप लोग इसके बारे में याद रखें कि सबक्लेवियन सिंड्रोम के अंदर द पेशेंट बीपी ऑन बोथ लिम विल बी अनइक्वल एंड इफ द पेशेंट डूइंग एक्सरसाइज द अफेक्टेड लिम विल कॉज मोर पेन, पेरेस्थीजिया, डिजीनेस एंड ऑफ देयर विल बी वर्टिगो.
सो थिंक अबाउट सब क्ले विन स्टील सिंड्रोम. सो दिस व्हाट अबाउट फॉर टुडे. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट टू वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एज वेल. अल्लाह हाफिज़.